प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर में ही फूट नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप कई मौकों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव मंगलवार को अपराह्न 4 बजे टेलीविजन और कुछ सामान लेकर अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। सूत्रों के मुताबिक वह स्थायी तौर पर अपनी मां राबड़ी और पिता लालू के साथ रहेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को हाल ही में अदालत ने जमानत दी है और वह जल्द ही पटना आने वाले हैं। तेज प्रताप से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी ने उन्हें खुद खाना खिलाया है। तेज प्रताप के सरकारी आवास में उनका कार्यालय चलेगा। तेज प्रताप के इस बड़े शिफ्ट से बिहार की राजनीतिक दिशा भी शिफ्ट हो सकती है। कई तरह के सवाल राजनीतिक पंडितों के दिमाग में हैं। क्या तेज प्रताप मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? इस सवाल की हवा इसलिए भी तेज है क्योंकि तेज प्रताप 1 मई से प्रत्येक दिन अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार करेंगे। इसी दिन वे ग्रामीण इलाकों में अपनी यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। इससे पहले जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप ने तेज प्रताप के सरकारी आवास पर मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव को विवादित करने और उनके छोटे भाई से संबंध खराब करने के लिए राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कुछ हरियाणवी मित्रों ने साजिश रची है। एक कार्यकर्ता के जरिए कहलवाया गया कि तेज प्रताप पिता और भाई के खिलाफ अनर्गल बात बोलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। तेज प्रताप द्वारा इस्तीफा दिए जाने का इरादा जताने से जुड़े सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि हम किसी एक व्यक्ति के ट्वीट या बयानों पर तब तक कुछ नहीं कहते जब तक वे पार्टी के उपयुक्त मंच पर नहीं कही गई हो। तेज प्रताप के द्वारा राजद कार्यकर्ताओं की कथित पिटाई मामले पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि तेजस्वी पहले अपने भाई को देखें, फिर राज्य को। तेज प्रताप को साफ करना चाहिए कि उनका फंसाया कौन है। तेजस्वी का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? सामने आकर बोले, सही विषय पर बोले। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।